कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। बिहार में वैक्सीनेशन का आलम यह है कि सरकार जिस रफ्तार से लोगों को वैक्सीन लगा रही है उससे तो सालों साल लग जाएंगे, तो वहीं जो थोड़ी बहुत वैक्सीन लगाने सरकारी महकमा गाँव में भी जा रहा है तो जनता अफवाहों के भरोसे है, उसे वैक्सीन लेना नहीं है, तभी तो मस्जिदों के इमाम को लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है। लोगों को कहना पड़ रहा है कि जान बचानी है तो वैक्सीन लगा ले। दरअसल नालंदा के सिलाव प्रखंड के सब्बैत गांव के लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे। आपको बता दें कि ये गांव अल्पसंख्यक बहुल्य गांव है, ऐसे में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंची तो गांव के लोग स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं आए। आपको यहां ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस पंचायत को सफाई व्यवस्था के लिए सम्मानित भी किया गया था, लेकिन इसी पंचायत के लोग कोरोना का टीका लेने में कतराते दिखे। फिर इमाम के जरिए लाउड स्पीकर से अपील की गई, फिर लोग घरों से बाहर निकले। मस्जिद से ऐलान करना माइक से, कि टीम पूरी आई हुई है आपके फायदे के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, ताकि आप हर तरह के खतरे से महफूज रहें। जो लोग जलाना चाह रहे हैं आप पहुंचे वहां, टीम आपकी हर तरह के हेल्प के लिए तैयार है, आप जाके इनके संग निर्भर। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में शिविर लगाया था, टीका लगाने की तैयारी शुरू की गई, लेकिन कोई भी सेंटर पर नहीं आ रहा था, जिसके बाद खुद अधिकारी गांव में लोगों के घरों तक गए, लोगों को समझाते दिखे, फिर एक एक करके लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंचने लगे। उनको गलतफहमी होगी किसी भी, ये लगता है जैसे कि कोई सोशल मीडिया के द्वारा या ऐसे भी वैक्सीनेशन लेने से कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है, बुखार आ सकता है, तो नहीं लेते हैं, लेकिन उनको समझाने की जरूरत है। समझाने पर मेरे जैसा कि मुझे उम्मीद है कि सभी लोग लेंगे। कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें हैं, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को समझाने में जुटा है और हर कोशिश कर रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन ले सकें। हमें भी वहाँ सूचना मिली कि यहाँ सवैत ग्राम पंचायत से लोग नहीं ले रहे हैं टीका। कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति थी कि टीका लेने से बुखार हो जाता है, दुष्परिणाम इसका होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को समझाया गया, लोग समझे, अब टीका ले रहे हैं, स्वतः अपने आप खुद लोग अब जागरूक होने लगे हैं और टीका। इमाम के द्वारा यहाँ अनाउंस कराया गया था कि लोग टीका ले रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को चूँकि धर्म से लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ इमाम द्वारा भी घोषणा की गई कि भाई आप टीका ले लें, और टीका ही एकमात्र बचाव है जिससे कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है, इसलिए लोग टीका लेने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में वैक्सीनेशन ड्राइव देश के अनुपात से काफी पीछे चल रहा है, ऐसे में गांव या लोगों के बीच फैली अफवाह पर लगाम लगाना भी जरूरी है, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेकर कोरोना के खिलाफ इस जंग में स्वस्थ रह पाएंगे और तभी बिहार भी स्वस्थ रहेगा। नालंदा से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।